हेलो फ्रेंड्स, मेरे नए वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिए गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें। इसके बाद ये बेल के साइन को क्लिक करें। यहाँ इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेव करें ताकि आप नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको मेरे नए वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू। Hello, my dear students and friends, welcome back. I am going to make a new video here for you, and that is the video about some of the words. Like hum Hindi mein bolte chalna, chalana, chal, chalao. To inko English mein kuch mere students ne mujhse pucha, to maine kuch wo ikhatte kiye yahan pe aapke liye. And I have already written these sentences here on your screen in Hindi, and I let you know how to translate them into English one by one. Okay, so let's begin. तो पहला सेंटेंस जैसे मुझे क्या तुम्हें क्या, तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मुझे क्या मीन्स जैसे कोई किसी ने कुछ काम किया, हमने कहा भाई तुम कर लो मुझे क्या, तो इसके लिए या तो हम बोलते हैं इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, इट मेक्स इसको इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, या तो हम ये बोल सकते हैं या इट डजेंट मैटर, ये भी हम इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी, तुम्हें क्या, इट मेक्स नो डिफरेंस टू यू, इट डजेंट मैटर टू यू, इस तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। दूसरा है क्या चल रहा है, जैसे किसी से हम पूछते हैं और भाई क्या चल रहा है, तो व्हाट्स गोइंग ऑन, यानी व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं। अभी हम बोल रहे हैं जैसे पंखा चल रहा है, अब देखिए सब चीजों में चल रहा है, क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, पंखा चल रहा है तो फैन इज मूविंग, फैन इज मूविंग। अभी आते हैं जैसे लाठियां चल गई, ठीक है, तो लाठीज वर यूज्ड, तो इसको हम इस तरीके से बोलेंगे लाठीज वर यूज्ड। अभी आता है जैसे गोली चल गई, तो गोली चल गई, तो जैसे रिवॉल्वर से या पिस्टल से, तो पिस्टल वेंट ऑफ, अभी यहां पे है मैंने फटा हुआ नोट चला दिया, तो आई स्पेंट, या आई वॉज एबल, उसको ऐसे भी बना सकते हैं आई वॉज एबल टू स्पेंड ऑन करेंसी नोट, इसको इस तरीके से आप बोल सकते हो। मीटिंग चल रही है, मीटिंग इज इन फुल स्विंग, इसी तरह क्लास के लिए भी कह सकते हो आप क्लास इज इन फुल स्विंग। गोइंग ऑन का भी यूज कर सकते हो आप, लाइक मीटिंग इज गोइंग ऑन, मुझे इस बात का पता चल गया है, तो आई हैव कम टू नो अबाउट दिस मैटर, इसको इस तरीके से आई हैव कम टू नो, मुझे पता चल गया इस बात का। हम सभी लोग सिनेमा देखने जा रहे हैं, वी ऑल आर जा रहे हैं या चल रहे हैं, तो वी ऑल आर गोइंग टू वॉच अ मूवी, इसको हम इस तरीके से बोलते हैं।
नेक्स्ट तुम अपनी अपनी क्यों चलाते हो, इसका मतलब कि वो कोई डिस्टरबेंस करता है क्रिएट या दूसरे की बात नहीं सुनता, तो व्हाई डू यू बोस्ट दैट मच, या व्हाई डू यू इंटरवेन, व्हाई डू यू डिस्टर्ब, या व्हाई आर यू आउट स्पोकन, एक नेगेटिव सेंस में ये तुम अपनी अपनी क्यों चलाते हो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं व्हाई डू यू, इसको एक्चुअली नेगेटिव में बनाए तो ज़्यादा, व्हाई डोंट यू एग्री विथ अस, ऐसे भी इसको बोल सकते हो, मतलब आप हमसे नहीं एग्री कर रहे हो किसी बात पे, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि आप अपनी अपनी क्यों चलाते हो। नेक्स्ट है जैसे हमें अपने खर्चों को आमदनी के हिसाब से चलाना चाहिए, है ना, जो वी हैव टू मेंटेन आर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू आर इनकम, वी हैव टू मेंटेन आर एक्सपेंसेस अकॉर्डिंग टू आर इनकम। क्या तुम कार चला लेते हो? कैन यू ड्राइव अ कार? संगीत चलाओ, अभी संगीत चलाओ, तो प्ले द म्यूजिक प्लीज, इसको ऐसे बोल सकते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट, वह हर किसी को चलाने की कोशिश करता है ना, तो ही ट्राइज टू मेक एवरीवन फूल। मोटर चला दो, तो प्लीज, जैसे पानी की मोटर चला रहे हैं कुछ, तो प्लीज टर्न दी मोटर ऑन, या प्लीज स्विच ऑन दी मोटर भी कह सकते हो आप। चलते चलते, तो वाइल वॉकिंग, ये मेरे को कुछ आए तो मैंने लिख दिया, आपको बता दिए। इफ यू थिंक यू हैव गॉट सम अदर सेंटेंसेस लाइक दिस, यू मे राइट देम इन कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू ट्रांसलेट देम, और आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर दैट। सो इफ यू लाइक दैट वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट विथ अदर्स, एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन माई ई मेल आई डी एंड स्काइप आई डी हियर इन दैट वीडियो एंड बिलो दैट वीडियो। इफ़ यू थिंक यू वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश विद मी, यू मे कॉन्टैक्ट मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो, थैंक यू।